साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। ब्रह्म कुमारी आश्रम च रखड़ी दे त्योहार नूं लै के आश्रम च करवाया समागम। पादरा दे ब्रह्म कुमारी आश्रम विखे ब्रह्म कुमारी आश्रम दे संचालका बीके निशा दी देखरेख विच रखड़ी दा त्योहार मौके समागम करवाया गया, जिदे विच शहर दीआं भैणां ने शमूलियत कीती। इस करवाए गए समागम दे विच नन्नियां बच्चियां दे वल्लों डांस कीता अते बीके निशा ने रखड़ी दी महत्ता संबंधी जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि रखड़ी पवित्रता अते प्यार दा प्रतीक है। पादरा तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट। भगवान की घर में प्रभु मिलन भवन में वेलकम वेलकम वेलकम। तो अभी हम सुनिए रूहानी बहन से, बहुत सुंदर इनका कंठ है। भगवान ने कोई गोल्डिंग गिफ्ट दिया तो हम भी भाग्यशाली आत्मा है कि जो भगवान का छिपा हुआ हीरा फिर से अपने घर में खोए। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के स्नेह का सूचक है, ये पवित्रता का भी प्रतीक है। इस दिन बहन भाई बहुत प्यार से मिलते हैं और बहन भी अपने भाई की कलाई पर बहुत प्यार से रक्षा सूत्र बांधती है। तो भाई भी दिली दिल दृढ़ संकल्प करता है कि बहन जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक तेरी आन रहेगी। वास्तव में रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य है। कहते सो परिवर्तन विश्व परिवर्तन, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने रक्षाबंधन पर कौन सा दृढ़ संकल्प करना है, इस कलयुगी दुखी अशांत दुनिया को फिर से परिवर्तन कर सत्युगी दुनिया बनाना है। और आज हम दृढ़ संकल्प करते हैं रक्षाबंधन पर कि कभी भी किसी को दुख नहीं देंगे और सबकी दुआएं लेंगे और सदा ही सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहेंगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बाटरा तो सतपाल गर्ग की रिपोर्ट।